हेलो फ्रेंडो, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हैं अयोध्या, जो कि आप सभी को पता है। अयोध्या अभी हम कुछ दिनों से यहीं स्टे भी कर रहे हैं और अभी करंट टाइम में हम अभी खड़े हैं अयोध्या धाम के मेन गेट के बाहर, जहां पे हम अभी देख पा रहे हैं कि मतलब बैंक के कुछ अधिकारी अपने बैंक में सीएल लगा के मतलब रामलला के लिए मतलब पूरी अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, मतलब हर एक गाना से मोहित कर रहे हैं लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, मतलब थोड़ा सा मतलब हैप्पीनेस, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड फील दे रहे हैं सबके लिए। और अपनी बैंक की नौकरी को थोड़े से ताक पे रख के मतलब यहाँ पे अपनी मतलब रामलला के लिए पूरी अपनी कुर्बानी दे रखे हैं सब कुछ की। मतलब ऐसे ऐसे भक्तों से मिलवाने जा रहा हूँ पूरी अपनी थोड़ी सी मैं पहले डेकोरेशन दिखा दूँ आपको कि क्या क्या चीज़ तैयारियाँ देखने को मिल रही है अभी। मतलब कल तो एकदम रेडी हो जाएगी, मतलब 22 को जनवरी को तो आपको पता है कि रामलला जी विराजमान होने वाले, तो और वहाँ पर CM PM सब आने वाले, तो थोड़ी सी भीड़ और गैदरिंग और प्रोटोकॉल का फॉलो करते करते मतलब बहुत सारी भीड़ तो रहेगी। तो थोड़ी सी मैं तैयारियाँ दिखा दूँ अभी, जल्दी से जल्दी तैयारियाँ दिखा दूँ और क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है मुझे वो भी दिखा दूँ। उसके बाद मैं आपको देने ले चलूँ कि लोग कैसे भक्ति में लीन है, वो भी चीज़ को मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के बीच में। जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम 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 राम। सब लोग तुम्हारे विश्वास को सुनेंगे क्या है? राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम मंगल भी है, राम है शोक में, राम मंगल भी है, राम है आराधना, राम आराध भी, राम है आराधना, राम आराध भी, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है। राम कौन है? जो राजा होने पर भी उतने ही शांत है जितना ही अगले दिन वनवास होने पर भी शांत है। इसीलिए चार भाई में तीन भाई और है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ एक है, वो कौन है? राम है, क्योंकि उसने परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी जीवन में एक भी समय ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो मानव नहीं है। और क्या कहते हैं? राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम है शोक में, राम मंगल भी है, राम आराधना, राम आराध भी, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम सृष्टि भी है, राम है अंत भी, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। सिया राम मैं सब करहु प्रणाम, जोर जुग पानी हो, अंगद कहि जाऊ मैं पारा, जिया संशय कछु फिरति बारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्यारा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
हो भगवान से बाली पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि मुझको मार दिया। भगवान राम ने एक ही अपराध अपने जीवन में किया था कि बाली को छल से मारा था, और उसी बाली ने बाद में बहेलिया बन के कृष्ण अवतार में वो बाण मारा जो दुर्वासा के श्राप से बन गया था। तो बाली से जवाब में भगवान राम ने क्या कहा, जब बाली ने पूछा कि कारण कवन नात मोहि मारा, मैं परी सुग्रीव पियार, मतलब मैं और सुग्रीव दोनों बराबर भक्त है तो मुझे क्यों मार दिया। तो राम क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि अनुज वधू बगी निसुत नारी सुन सठ कन्या समय चाह, कि छोटे भाई की पत्नी अनुज वधू बहन और पुत्र की पत्नी ये अपनी बेटी के समान होती है, और क्या कह रहे हैं इन्हीं कुदृष्टि भी लोक जोई ताकर बधे पाप नहीं होई, इन पर जो गलत नजर डालता है उसका वध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। तो क्या कहते हैं कि राम नाम लई जे जमुहाही तिनहिं न पाप पुण्य समुहाही, नाथ सकल शम पदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम।